कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस टॉपिक को समझने से पहले हम इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से मुराद वो अमल है जिसमें खसूसियात पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं। जीन्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने प्रेजेंट किया। मेंडल ने बहुत से तजर्बात किए और इसके लिए उसने मटर के पौधे का इंतखाब किया। मेंडल ने जेनेटिक के तीन लॉ पेश किए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल को जेनेटिक का फादर भी कहा जाता है। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स धागे की तरह बारीक होते हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। जीन्स। जीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होंगी। अलील्स। एक ही जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म को अलील्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फ्लावर में कलर को कंट्रोल करने वाली जीन्स का एक पेयर है। इस जीन्स का एक पेयर पर्पल कलर को कंट्रोल करता है और दूसरा पेयर वाइट कलर को कंट्रोल करता है। यानी एक ही जीन्स की दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं। इन अल्टरनेटिव फॉर्म्स को अलील्स कहते हैं। कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट एलील्स ऑफस्प्रिंग में एक ही वक्त में एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ब्लैक चिकन और वाइट चिकन का क्रॉस करेंगे। एग्जांपल में हम ब्लैक चिकन को बी से और वाइट चिकन को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ब्लैक चिकन ब्लैक फीडर को कॉपी करने के लिए और वाइट चिकन वाइट फीडर को कॉपी करने के लिए। इनके क्रॉस से बनने वाले ऑफस्प्रिंग में ब्लैक और वाइट दोनों फीडर मौजूद हैं। यानी वो दोनों पेरेंट्स एलील को एक ही वक्त में शो कर रहा है। इस तरह के चिकन को हम चेकर्ड चिकन कहेंगे। यहाँ कोडोमिनेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं वाइट काउ और रेड काउ। इनके क्रॉस से बनने वाला ऑफस्प्रिंग दोनों पेरेंट एलील को इक्वली एक्सप्रेस कर रहा है। इसी तरह ब्लैक कैट और ब्राउन कैट के क्रॉस से बनने वाला ऑफस्प्रिंग दोनों पेरेंट्स एलील्स को इक्वली एक्सप्रेस कर रहा है। इस एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि पेरेंट्स के क्रॉस से बनने वाला ऑफस्प्रिंग दोनों पेरेंट्स एलील्स को एक्सप्रेस कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें दो डिफरेंट एलील्स के क्रॉस से बनने वाले ऑफस्प्रिंग की एलील्स दोनों पेरेंट एलील्स का मिक्सचर होता है और एक अलग फिनोटाइप जाहिर होती है। फॉर एग्जांपल, हम पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर के क्रॉस करेंगे। एग्जांपल में हम पर्पल फ्लावर को पी से और वाइट फ्लावर को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। पर्पल जीन पर्पल एलील को कॉपी करने के लिए और वाइट जीन वाइट एलील को कॉपी करने के लिए। इनके क्रॉस से बनने वाले ऑफस्प्रिंग्स में दोनों कलर के मिलने से एक न्यू फिनोटाइप क्रिएट होती है जो पिंक कलर को शो करती है। यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक ब्लेंडेड फिनोटाइप बनती है जो दोनों पेरेंट्स एलील्स का मिक्सचर होती है। यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि टू डिफरेंट आई कलर के पेरेंट एलील्स के क्रॉस से बनने वाला ऑफस्प्रिंग एक न्यू फिनोटाइप को शो कर रहा है। इसी तरह ब्लैक कैट और ब्राउन कैट के क्रॉस से बनने वाला ऑफस्प्रिंग इन दोनों पेरेंट्स एलील्स का मिक्सचर है।
जो ना तो ब्लैक है और ना ही ब्राउन, बल्कि एक न्यू कलर को शो कर रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम एक और एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करते हैं। पेरेंट्स एलील्स में एक पेरेंट के हेयर टाइप स्ट्रेट और दूसरे पेरेंट्स के हेयर टाइप कर्ली हैं, और इनके क्रॉस से बनने वाले ऑफस्प्रिंग एक अलग फिनोटाइप को शो कर रहे हैं, और इसका हेयर टाइप दोनों पेरेंट्स एलील्स का मिक्सचर है और एक न्यू फिनोटाइप यानी वेवी हेयर को शो कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस में दोनों एलील्स का इक्वल इफेक्ट होता है, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों एलील्स में से किसी एक एलील का इफेक्ट ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। सेकंड, कोडोमिनेंस में हम दोनों एलील्स के इफेक्ट को इंडिविजुअली देख सकते हैं, दोनों एलील्स की मिक्सिंग नहीं होती, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों एलील्स की मिक्सिंग होती है। थर्ड, कोडोमिनेंस में कोई न्यू फिनोटाइप्स शो नहीं होती, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक न्यू फिनोटाइप शो होती है। फोर्थ, कोडोमिनेंस में पेरेंट के क्रॉस से बनने वाले ऑफस्प्रिंग में पेरेंट्स एलील्स के इफेक्ट को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पेरेंट एलील्स के इफेक्ट को हम मेजर नहीं कर सकते।